हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं किसके किचन में हूँ। मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए कि मैं किसके किचन में खड़ी हूँ। आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज। आप लोगों ने काफी समय से मैम को देखा है और उनका आपने चैनल भी देखा होगा। मैं बुला रही हूँ हम सभी की फेवरेट और मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन निशा मधुलिका जी को। सो मैम प्लीज कम, आप ही का किचन है। ये हेलो परोल, नमस्ते मैम। बहुत अच्छा लग रहा है तुमसे मिलके। अरे मैं बहुत मजा आ रहा है कि तुम यहाँ पर हो मेरे साथ में। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं खुशी के बारे में थोड़ा सा नर्वस भी हो रही हूँ, बोल नहीं पा रही हूँ कि जिनको हमने इतना देखा है, बहुत कुछ सीखा है मैम से, आज मैं उनके साथ खड़ी हूँ, मेरा सौभाग्य है। और सबसे बड़ी चीज़, मैम की बहुत ही फेमस रेसिपी जो आप सभी लोगों ने देखी होगी, गुड़ पारे की मैं बनाने वाली हूँ बिल्कुल मैम के तरीके से। अरे पारुल, ये तो बहुत आसान है, तुम बहुत जल्दी बना लोगी इसको। मैम आपके लिए बहुत आसान है, हम तो मतलब हर चीज़ बहुत ध्यान से बनाते हैं, आपसे बहुत कुछ सीखा है। तो आज मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सबको गुड़ पारे की वो स्पेशल वाली रेसिपी मैम वाली बनाकर दिखाऊंगी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू कीजिए। एकदम मार्केट जैसे खस्ता और कुरकुरे गुड़ पारे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 2 कप मैदा। ये गुड़ पारे मैं मैदा से बना रही हूँ, आप चाहें तो आटे से भी बना सकते हैं या आधा आटा ले सकते हैं और आधी मैदा। तो 2 कप अगर मैं वजन से बोलूँ तो लगभग 260 ग्राम के करीब मैंने मैदा ली है। मैं मार्केट स्टाइल बना रही हूँ तो मैं मैदा के बना रही हूँ। और ये हो गया 2 कप। अब जो मैं नेक्स्ट चीज डाल रही हूँ उससे आएगा गुड़ पारे में जबरदस्त टेक्सचर और बढ़िया खस्तापन, जो हलवाई भी जरूर डालते हैं, और वो है आधा छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर। जो हम केक वगैरह में डालते हैं ना, बेकिंग पाउडर लाल वाले डिब्बे में आता है इस तरह के, ये बस मैंने वही लिया है। इसको डालने से आपके जो गुड़ पारे हैं वो ज्यादा खस्ता भी बनेंगे और उसका जो टेक्सचर है ना, तो वो बाजार के जो पैकेट में गुड़ पारे मिलते हैं बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल वही आएगा। तो ये पारुल वाली टिप आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट में इसमें डाल रही हूँ मोइन यानी कि घी। तो यहाँ पर घी मैंने लिया है 1/4 कप। मेजरमेंट के लिए घर का कोई भी कप या कटोरी आप इस तरह सेट कर ले, पूरा माप आप उसी से ले। तो यहाँ जो आपको घी लेना है वो हल्का मेल्टेड लेना है, देखिए इस तरह का। अगर चम्मच से बोलूं तो लगभग 6 बड़े चम्मच के करीब मैंने घी लिया है। तो अच्छे से घी को आटे के साथ पहले बढ़िया से मिक्स करेंगे कि घी रेशे रेशे में आटे के चला जाए, तभी बनेंगे वो मार्केट जैसे एकदम खस्ता और क्रिस्पी गुड़ पारे। अब जैसे मैंने यहाँ घी लिया है, आप तेल भी ले सकते हैं, पर जो घी है उससे जो हमारे पारे हैं वो ज्यादा खस्ता और कुरकुरे बनते हैं। तेल देता है बढ़िया क्रिस्पनेस और घी देता है खस्तापन। तो जो मठरी शकर पारे ऐसी चीजें होती है उसमें घी डालने से बेस्ट रिजल्ट मिलता है। अब हम यहाँ गूथेंगे इसका हल्का सख्त आटा, मतलब मीडियम टाइट हमें डो लगाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ ले रही हूँ पानी, आप चाहे तो इसको दूध से भी गूथ सकते हैं। दूध से गूथने से भी बहुत अच्छे खस्ता बनते पर फिर वो बहुत लंबे समय तक चल नहीं पाते। तो यदि आप तुरंत से बनाकर तुरंत खत्म करना चाहते हैं तो दूध से गूथ लीजिए, वरना आप पानी से जिस तरह मैं बता रही हूँ ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप के करीब हल्का सा गर्म पानी लिया है। अगर आप दूध ले रहे हैं तो फिर 1/2 कप हल्का गर्म दूध लें, बहुत हल्का गर्म। दोनों में से किसी से भी आप आटा लगा सकते हैं। तो मैं पानी से ही गूंथ रही हूँ जिससे लंबे समय तक हम इन्हें रख भी पाए। बढ़िया से इसका टाइट डो तैयार करेंगे अच्छे से मसलकर। गुड़ पारे दिवाली की बहुत ही स्पेशल रेसिपी है, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं, बच्चों को भी बेहद पसंद आते हैं, और जिस तरह से आज मैं बनाने वाली हूँ निशा मैडम के तरीके से, बहुत ही बढ़िया आपका रिजल्ट आएगा और बहुत बढ़िया गुड़ पारे आप घर में तैयार कर पाएंगे। और ये देखिए एकदम बढ़िया मैंने आटा लगा लिया है, देखिए इस तरह का सख्त, ना बहुत ज्यादा टाइट ना बहुत ज्यादा मुलायम, ऐसा हमें आटा लगाना है। बस मसलिएगा बढ़िया से, उससे अंदर क्रैक्स और खस्तापन आएगा हमारे गुड़ पारे में। तो यहाँ आटे को लगभग 15-20 मिनट के लिए रेस्ट पर रखेंगे। मुझे मैम ये बताइए कि जैसे गुड़ पारा बहुत ही ट्रेडिशनल रेसिपी है, तो इसमें हमें मेन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि ज्यादा खस्तापन आए, गुड़ की जो परत है वो मठरी के ऊपर प्रॉपर लगी रहे। पारोल, जब आप डो बनाओ ना थोड़ा उसे सख्त रखना। अच्छा। और जब उन्हें आप फ्राई करोगे ना तो फ्लेम लो मीडियम होनी चाहिए, बहुत ज्यादा तेज फ्लेम पे उसे फ्राई, हाँ धीमी आंच पे खस्ता होने तक उसे फ्राई करना। अच्छा। इसके बाद जब आप चाशनी बनाओगे तो उन्हें तब तक उसको मिलाते जाइए जो पारे आपने सेके हैं, जब तक कि वो अच्छे से एक साथ कोट नहीं हो जाते। अच्छा।
उसको बीच में छोड़ मत दीजिए, वरना चाशनी नीचे चली जाएगी और गुड़पारे ऊपर। तो जो बातें मैम ने बताई हैं, इन बातों का आप स्पेशली ध्यान रखिएगा, उससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। चलिए तो 15-20 मिनट हो गए हैं, आटे को चेक कर लेते हैं। ये देखिए एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी में हमारी मैदा गूंथ करके तैयार है। अब एक बार और हल्के हाथ से हम मैदा को मसल लेंगे, लेकिन ध्यान रहे इसमें जो ये क्रैक्स आपको दिख रहे हैं ना, ये रहने चाहिए। बिल्कुल इस तरह हल्के हाथ से ही बस मसले, जिससे कि जो ये क्रैक्स हैं जब हम गुड़ पारे बनाएंगे तो उसमें अंदर ना खस्ता लेयर्स आएंगी। दो भाग में डिवाइड कर लेंगे। अब एक हिस्सा लेंगे, तो बहुत ज्यादा मत मसल कर इसको स्मूथ करना है, बिल्कुल ऐसा ही रखना है, यही करते हैं हलवाई। और उसको मीडियम थिकनेस का बेलेंगे, बहुत ज्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा बेलेंगे। जैसे आप बाजार में देखते हैं ना, थोड़े मोटे होते हैं गुड़ पारे, तभी उन्हें खाने में मजा आता है। तो यहाँ पर देखिए मीडियम थिकनेस का बेलेंगे, बिल्कुल इस तरह। ये देखिए इतनी थिकनेस होनी चाहिए, तभी वो खस्तापन आएगा। परफेक्ट। अब बस इसको हम अपने मनचाहे शेप में कट कर लेंगे। मैं मार्केट की तरह कट कर रही हूँ, जैसे वो मिलते हैं ना लंबे लंबे, थोड़े से थिक, बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ से इस तरह कट करेंगे और यहाँ से इस तरह, और इसको लगभग 1.5 से 2 इंच का इस तरह हम कट कर लेंगे लंबाई में। मार्केट वाले ऐसे लंबे लंबे पीसेस में कट करते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे, तो एकदम वही बाजार जैसा लुक आ जाएगा। और ये जो आप साइड के छोटे छोटे टुकड़े देख रहे हैं, इसको वापस आटे में ही मिक्स कर लेंगे, दोबारा यूज कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल ये थिकनेस और बिल्कुल ये शेप, इस तरह से हमें तैयार करने हैं अपने सारे गुड़ पारे। तो चलिए पहले सारे बेल करके तैयार कर लेंगे। तो गुड़ पारे को आप कितने दिन तक हम रख सकते हैं, जिससे उसका टेस्ट मेंटेन रहे? आराम से उसे आप महीने भर तक रख के खा सकते हैं। अच्छा, उसका टेस्ट वैसे ही। फेस्टिवल में आप बनाइए पहले से और खाते रहिए। अब यहाँ गैस पर मैंने पहले ही चढ़ा दिया था कढ़ाई को और तेल को कर लिया है गरम। सबसे जरूरी पॉइंट बढ़िया गुड़ पारे खस्ता बनाने के लिए, तेल होना चाहिए एकदम हल्का गरम। जब हम डाले तो उसे बबल्स नहीं आने चाहिए। मैं छोटा टुकड़ा आपको डालकर दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने डाला, एकदम से बबल नहीं आए, कुछ सेकंड्स के बाद इसमें बबल्स आए। बस इतना हल्का गरम हमें तेल चाहिए। तो धीरे धीरे करके सारे ही गुड़ पारे इस तरह हम डाल देंगे। अभी बिल्कुल टच नहीं करेंगे, 5 मिनट इसको इसी तरह से रहने देंगे। धीरे धीरे करके हमारे जो पारे हैं वो ऊपर आने लगेंगे, उसमें एक फर्म सी लेयर आने लगेगी। धीमी आंच पर जब आप गुड़ पारों को फ्राई करेंगे, वो अंदर तक फ्राई हो पाएंगे, एकदम खस्ता और लेयर्ड बनेंगे। ये देखिए धीरे धीरे हमारे सारे पारे फूल करके ऊपर आने लगेंगे। ये देखिए परफेक्ट। अब बस एक चम्मच से हल्का सा रोटेट कर देंगे, बस उलट पलट भरी करना है, जिससे सब तरफ से बढ़िया समान ये फ्राई हो पाए और बढ़िया कलर आ पाए। बस बीच बीच में एक दो बार इस तरह चला देंगे, बहुत ज्यादा नहीं चलाएंगे वरना ये टूटने लगेंगे। और ये देखिए बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आ गया है, इससे ज्यादा इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करेंगे। ये देखिए इसकी लेयर एकदम खस्ता बने देखने से ही पता चल रहा है, और बिल्कुल तेल भी अब्सॉर्ब नहीं किया है। तो बस सारे ही पारे इस तरह से निकाल लेंगे, क्योंकि गर्माई से निकालने के बाद भी ये रंग पकड़ लेते हैं। और सेकंड बैच के डालने से पहले गैस को बिल्कुल बंद कर देंगे, क्योंकि तेल अभी बहुत गर्म है। और अब धीरे धीरे करके सेकंड बैच के भी पारे हम इसमें डाल देंगे, और कुछ सेकंड बाद वापस से गैस को ऑन करेंगे, फ्लेम को लो कर देंगे, और बिल्कुल इसी तरह से गोल्डन ब्राउन सारे पारे फ्राई कर लेंगे। बस आपको याद रखना है कि इसको धीमी आंच पर ही फ्राई करना है। अगर आपको बीच में कम लगे आंच तो थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, फिर उसको वापस कम कर लीजिए। इस तरह से जब आप ये फ्राई करेंगे तो ये परफेक्ट फ्राई होंगे, अंदर तक परफेक्ट सिकेंगे भी, बिल्कुल भी तेल नहीं अब्सॉर्ब करेंगे। लीजिए हमारे सेकंड बैच के पारे भी हैं बिल्कुल तैयार, एकदम खस्ता और क्रिस्पी। तो इन्हें रखते हैं अभी अलग, फटाफट से बनाते हैं गुड़ वाली चाशनी। गुड़ वाली चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर आप एक पैन या कढ़ाई चढ़ाएं। इसमें मैं यहाँ डाल रही हूँ 200 ग्राम गुड़, सिंपल क्रश करके मैंने गुड़ ले लिया है। यहाँ पर अगर कप से बोलूं तो लगभग 1 कप के करीब गुड़ है। साथ ही यहाँ पर हम डालेंगे 1/4 कप पानी, यानी उसी कप या कटोरी से आप 1/4 कप पानी लें, चम्मच से 5 बड़े चम्मच के करीब, जिससे कि गुड़ बिल्कुल आसानी से मेल्ट हो जाए। लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर गुड़ को बिल्कुल बढ़िया से मेल्ट होने देंगे। बस कुछ ही देर में आप देखेंगे कि गुड़ बिल्कुल बढ़िया से मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए पूरा गुड़ एकदम बढ़िया मेल्ट हो गया है और झाग आने शुरू हो गए हैं। 2 मिनट अभी और पकाएंगे। हमें इसकी बनानी है 1 तार की चाशनी, तो बस कुछ देर और इसको पकाएंगे। इस तरह से जब आप चाशनी बनाएंगे, जो हमारे पारे हैं उन पर गुड़ बिल्कुल परफेक्टली कोट होगा, हर तरफ से बढ़िया गुड़ से कोटेड होंगे, एकदम मार्केट वाला लुक आएगा और खाने में भी बढ़िया लगेंगे। अब देखिए इस तरह से आप चेक कीजिए कि चाशनी में एक तार आया है या नहीं। उंगलियों के बीच में इस तरह से लेंगे चाशनी, और देखिए इस तरह आप इसका तार चेक कीजिए।
ये देखिए एकदम परफेक्ट चाशनी हमारी तैयार हुई है, एक तार आ रहा है। इतना भरता कि हमें इसको पकाना है, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। तो बस इस स्टेज पर गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि अगर गैस और रखेंगे तो ये भी और थिक हो जाएगा। तो तुरंत से गैस ऑफ करेंगे। फटाफट से इसमें हम डालेंगे एक छोटी चम्मच सौंफ, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप लाइक करें तो डालें वरना आप इसे हटा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ एक छोटी चम्मच ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सॉल्ट। इसका फ्लेवर गुड़पारे में बेहद टेस्टी आता है और एकदम बैलेंस करता है फ्लेवर को। मार्केट में भी होती है दोनों चीजें। यदि आप नहीं लाइक करें तो दोनों चीजों को स्किप भी कर सकते हैं, बगैर इसके भी बना सकते हैं, इलायची पाउडर डाल सकते हैं, केसर के धागे भी डाल सकते हैं। तो बस इसको डाल करके बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम डालेंगे हमारे तैयार पारे। ये देखिए, और लगातार चलाते हुए एकदम लाइट हैंडेड हल्के हाथ से इस तरह घुमाते हुए पूरी चाशनी को पारे पर कोट करेंगे। देखिए इस तरह। तो बस इस तरह घुमाते हुए हर दो दो मिनट पर चलाते जरूर रहें, वरना क्या होगा कि आपस में चिपक जाएंगे और फिर टूटने लगेंगे। तो बस दो मिनट चलाइए, फिर थोड़ा सा रुकिए, फिर दो मिनट वापस चलाइए, जिससे कि जो चाशनी है गुड़ की वो पूरी लग भी जाएगी हमारे गुड़ पारे पे और एकदम बढ़िया क्रिस्पी हमारे गुड़ पारे तैयार हो जाएंगे, टूटेंगे भी नहीं। तो बीच बीच में इस तरह चलाते जरूर रहे। मैंने गैस से उतार लिया था कढ़ाई को और बस इस तरह इसको हम चलाते जाएंगे। कुछ ही देर में आप देखेंगे कि जो चाशनी है वो गाढ़ी भी होने लगेगी और पूरी कोट हो जाएगी बढ़िया से हमारे गुड़ पारे पे। ये देखिए, आप देख सकते हैं बढ़िया से चाशनी ड्राई भी हो गई है, एकदम बढ़िया कोट हुई है गुड़ पारे पे। तो ये गुड़ के शकर पारे बनाना तो बिल्कुल बनता है, क्योंकि ये निशा मैम की एकदम 100% परफेक्ट रेसिपी है जिसमें मैंने कुछ टिप्स दी है, तो आप उन्हें जरूर जरूर से ट्राई करें, बहुत पसंद आएगी आपको ये रेसिपी। और दिवाली पर तो पक्के से बनाए, मेहमान भी पूछेंगे आपने कैसे बनाए। और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी आपस में चिपके नहीं है, एकदम अलग अलग हो गए हैं हमारे गुड़ पारे। और अब ये देखिए इसका टेक्सचर परफेक्टली कोटेड, और मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। सुनिए आपने आवाज, बने हैं ना एकदम खस्ता, और अंदर से लेयर्स देखिए बिल्कुल खस्ता है, तेल अब्सॉर्ब नहीं किया है, एकदम क्रिस्पी कुरकुरे और खस्ता हमारे गुड़ पारे तैयार हुए, बिल्कुल मार्केट जैसे, बल्कि उससे भी बढ़िया। वाह पारुल, ये तो बहुत अच्छे बनाया तुमने। पारुल ने बहुत अच्छे गुड़ पारे बनाए हैं, आप इन्हें जरूर बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। थैंक यू आंटी, आपने इतनी अच्छी रेसिपी मुझे बताई और मुझे एक मौका दिया कि आपकी रेसिपी को मैं अपने चैनल पर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर पाऊँ। बहुत बहुत थैंक्स इस रेसिपी को सिखाने के लिए और मुझे एक मौका अपने इस प्यार भरे किचन में देने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा पारुल, तुम आई मुझसे मिली, वाकई में बहुत ही अच्छे मोमेंट है ये मेरे लिए, जिन्हें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ये तो सेम बात मेरी होनी चाहिए, क्योंकि मेरे मुझे इतनी बड़ी, जिनसे मैंने इंस्पायर होकर अपना चैनल स्टार्ट किया और बहुत कुछ हम सभी ने सीखा है, उनके साथ खड़े होने का, बगल में खड़े होने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद निशा आंटी, और इसी तरह आप हमें इंस्पायर करते रहिए, आपके वीडियोज़ हम देखते रहते हैं। और अगर आप इसे नई जनरेशन ने अभी तक निशा मैम का चैनल नहीं देखा है तो प्लीज़ 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 निशा मधुलिका चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आपको ये बेहद पसंद आएगा। थैंक यू। Thank you for watching Cook with Parul. Jai Hind, Jai Bharat.